इंटरेस्ट नाही आहे बघ. हे बघा काय काढलं का तिने, चेहरा काढला. अच्छा काढले हे वरती असं. आई बाबा अरे वा छान. हे काय, अरे प्राऊड टू बी मॉम, प्राऊड टू बी डॅड. अरे वा 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 छान मस्त काढले. आता हे कांडे रंगवायचे राहिले आहेत ना. आता म्हटलं जेवण वगैरे करते, झोपायचं आधी लवकर. मस्त सुंदर काढली तिने छान. गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन. सो गाइस यहाँ पर दीपाली का क्या चल रहा है वो बताती हूँ आपको. यहाँ पर दीपाली निकाल रही है सबके खाने के लिए कोड़ी कोड़ी, मतलब कोड़ी कोड़ी मीन्स जो कच्ची सी नहीं होती एकदम ताज़ी ताज़ी, वो खीरा खीरा मतलब ककड़ी बोलते हैं, खीरा बोलते हैं, वही निकाल रही है सबके खाने के लिए. और सारी चीज़ें पापा मंडी से लेके आए थे. सुबह सुबह पापा गए थे मंडी में और सारी चीज़ें ताज़ी ताज़ी लेके आए थे, मतलब सब्जियां वगैरह भी लेके आए थे, ये खीरे वगैरह भी लेके आए थे. और खीरे इतने ज़्यादा टेस्टी थे ना, मतलब एकदम कच्चे कच्चे से और इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे कि सब लोगों ने वही खाया. सब लोग बोलते थे कि हम लोग डाइटिंग पे है, डाइटिंग पे है. वही मजाक चल रहा था कि यहाँ पर हम लोग डाइटिंग पे है इसी वजह से ये खा रहा है, ये खा रहा है. और नाश्ते के टाइम पे यही खाया सब लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. और यहाँ पर दीपाली सबके लिए वही निकाल रही है. एकदम देखो आप यहाँ पर ग्रीन ग्रीन सी. और जो ये खीरा है ना इतना किस लिए लाया है वो भी बता देती हूँ आपको. रात का खाना है, शाम को या रात को बोल सकते हैं, वो खाना है तो इसी वजह से बेबी शॉवर के प्रोग्राम के बाद जो खाना होगा तो सैलड के लिए लाई है. और वो सारी सब्जियाँ भी पापा लेके आए थे तो यही सबको निकाल निकाल के दे रही है. बस दीपाली का वही काम था सुबह. जैसे ही हम लोग नीचे आए बस वही खाने लग गए. और यहाँ पर पोहे की तैयारी हो रही है. नाश्ते में पोहा बन रहा था, सॉरी पोहा नहीं, सॉरी ये जो रोटियाँ बच गई थी कल की, वो रोटियाँ उसका रोटी का चूरा बन रहा. और रोटी का चूरा तो आपको पता ही होगा कैसे बनाते हैं. मैंने भी बहुत बार रेसिपी आपको बताई है और बहुत बार आपके साथ रेसिपी शेयर की है, बट आज का चूड़ा बहुत ज़्यादा स्पेशल था. आज दामाद जी ने चूड़ा बनाया था, रोटी का चूड़ा. और दामाद जी आज घर का काम कर रहे थे. देखो ससुराल आने के बाद दामाद जी इतना काम करते हैं हमारे यहाँ पे. और हाँ पिछली बार मैंने कुछ तो भी शेयर किया था पिछले बार के ब्लॉग में, तो कोई तो भी बोल रहा था कि दामाद घर के मतलब घर पे काम नहीं करते हैं. बहुत लोगों के साइड में अलग अलग होता है, बट हमारे साइड में भी नहीं होता है दामाद नहीं कर. वो तो टोटली उनके ऊपर डिपेंड है उनको करना है या नहीं. बट इनका नेचर ऐसा है कि ये बेटे जैसा रहता है, मतलब उनके ससुराल में जैसे मेरे मायके में, जैसे मेरे मम्मी पापा के दो बेटे नहीं तीन बेटे हैं और वो भी वैसा ही समझते हैं उनके तीन बेटे हैं जैसे. और ये बेटे जैसा ही यहाँ पर रहते हैं तो इसी वजह से यहाँ पर काम करने के लिए उनको कुछ भी नहीं लगता है. तो बस यहाँ पर हमारा नाश्ता हो रहा है. यहाँ पर हम लोग सब नाश्ता ही कर रहे थे और उधर भी सब लोग नाश्ता ही कर रहे थे. बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, सब लोग उंगलियाँ चाटते रह गए थे. हे गाइस वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन. काय झालं, छान दिसत है. सो गाइज रेडी हो गई हूँ मैं. और ये वाला ड्रेस पहना है जो मैंने उस दिन आपको दिखाया था, कुर्ता रेड कलर का. ये आपने देखा भी होगा इससे पहले एक दो ब्लॉग पहले, तो वो वाला पहना है. और कैसे लग रही हूँ कमेंट करके जल्दी से बताइए. चलो अभी नीचे जाती हूँ और नीचे क्या क्या हो रहा है देखती हूँ, आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है. तो यहाँ पर दीदी और भाभी बना रही थी हार फोटो के लिए भगवान के लिए. ये घर के ही फूल है जो घर के पेड़ के निकलते हैं, तो बहुत सारे निकलते हैं इसी वजह से घर के ही फूलों के हार बन जाते हैं. और यहाँ पर पापा ने, मैंने बताया था ना आपको सुबह, पापा ने पूरा सब्जी मंडी में जाके वो सब्जियाँ लाई है ताज़ी ताज़ी. और यहाँ पर सारा काम चल रहा है जैसे कि मंडप वगैरह डालना और ये सब कुछ. आचार्य भी आ जाएंगे, जैसे कुक वगैरह है तो वो भी आ जाएंगे खाना बनाने के लिए थोड़ी देर के बाद. वो भी मैं आपको दिखाई दूंगी बाद में, बट यहाँ पर अभी वही काम चल रहा है. पहले मंडप डालना हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि शाम का प्रोग्राम है और शाम के प्रोग्राम में खाना है, तो खाने में क्या क्या बनने वाला है, मेनू क्या क्या है, वो सब कुछ आपको बाद में देखने के लिए मिलेगा. शायद नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अभी ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा. नहीं तो फिर इसीलिए फिर मैंने जो हो रहा है यहाँ पे वही शूट किया और वही दिखा दिया आपको. तो यहाँ पर ये चांद वांद और बेबी शावर के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है और इतने याद से करनी पड़ती है. देखो जैसे कि ये बान वगैरह होता है, ये चांद होता है, यहाँ पर
क्या बोलते हैं, तो फोटो खींचे जाते हैं यहाँ पर, जैसे कि चांद के पास खड़े रह के फोटो क्लिक करते हैं। यहाँ पर ये झूला भी लाया है, झूले को सजाएंगे, बहुत ज़्यादा सुंदर सजाया था गाइस। एक्चुअली वो चेक कर रहे थे क्योंकि दोनों जने बैठने वाले थे ना उस पर, जैसे कि अभी कल्याणी भी बैठने वाली थी, और केक वगैरह कट करने के टाइम या वो हमारे साइड में अहर बोलते हैं वो देने के टाइम आनंद भी बैठने वाला था, दोनों साथ में बैठने वाले, तो वो चेक कर रहे थे थोड़ा सा गिर विर ना जाए इसकी वजह से, क्योंकि अभी प्रेग्नेंट है तो उसके टाइम पे ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। तो हम लोग जो भी कर रहे हैं वो सोच समझ के करना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चेक वगैरह करके दो तीन जने बैठ के ऐसे चेक किया उन्होंने और अच्छे से लगा दिया। उसके बाद फिर डेकोरेशन वाले आए, डेकोरेशन किया, और यहाँ पर डेकोरेशन चल ही रहा है, यहाँ पर ही ऊपर वाले हॉल में प्रोग्राम होने वाला है। और गाइज हमारे इसमें तो बहुत ज़्यादा होता है, जैसे बेबी शावर के प्रोग्राम में कुछ डेकोरेशन, उसके बाद खाना, उसके बाद सब लोग रिलेटिव्स को बुलाते हैं हम लोग, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती है, गाने वाने ये वो, बहुत सारी चीज़ें होती है। और यहाँ पर ना थोड़ी सी जगह कंजस्टेड हो गई थी, मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बैठने के लिए जगह आपको दिखाती हूँ बाद में कि कितनी है। ऊपर वाला हॉल बड़ा है बट इतना भी बड़ा नहीं है कि यहाँ पर सारे लोग आ जाएंगे। देखो यहाँ पर इतनी जगह है और उस साइड में भी जगह है, कुछ लेडीज़ आ जाएंगी बट लेडीज़ इस प्रोग्राम में इतनी ज़्यादा आती है कि जैसे कॉलोनी वालों के वालों को बुलाना पड़ता है और बहुत सारी लेडीज़ आती है। तो गाइज मैंने आपको बताया था ना मैंने कुछ चीज़ें ली है इनके लिए और वो अभी तक आई नहीं है। पिछले ब्लॉग में मैंने बताया था आपको कि वो जब आ जाएगी वो आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो मैंने इनके लिए ये कुर्ता लिया था, कुर्ता सेट है, मतलब जैसे कि उसके ऊपर जैकेट वगैरह भी है, तो ये है। और मटेरियल काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिला है मुझे, मतलब क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कपड़े की। यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये गोल्डन कलर का इसलिए लिया है कि इसके ऊपर आप कोई भी कलर का जैकेट पहन सकते हो, ब्लू, येलो, रेड, इसके ऊपर रेड आया है बट आप जैकेट चेंज कर सकते हो। तो ये वाला रेड जैकेट है इसके ऊपर, मरून टाइप में, मरून एंड गोल्डन कलर का जैकेट है। पूरा आपको जैकेट पहले दिखा देती हूँ, जैकेट कुछ इस तरह से है इसका, और ये आज पहनने वाला है ये, तो इसीलिए आज के लिए ही मैंने लिया था और टाइम पर मिल गया मुझे, क्योंकि आज अगर नहीं मिलता, वैसे मैंने लाया था इनके लिए, अगर आज ये नहीं मिलता तो वो दूसरा पहनते, बट मिल गया तो यही पहनेंगे आज शाम के प्रोग्राम के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का मुझे रिसीव हुआ है, और इसके अंदर ये गोल्डन कलर का कुर्ता है और ये पैजामा है, तो ये कुर्ता पैजामा सेट है पूरा का पूरा, और क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्वालिटी की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया ये। और ये ऐसे ही मैंने इनके लिए शॉर्ट्स ऑर्डर किए थे, तो ये पूमा के शॉर्ट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर पूमा की ब्रांडिंग भी दी हुई है, तो ये पूमा के शॉर्ट्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा क्वालिटी पसंद आई। वैसे ब्रांडेड है तो क्वालिटी देखने की ज़रूरत नहीं है, बट कभी कभी आ जाते हैं ना फिटिंग में होता है कि फिटिंग का इशू हो जाता है, बट ये इनको फिटिंग में भी बहुत अच्छे से आ गया है, और उसके बाद क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पॉकेट है साइड में, बहुत अच्छा लगा मुझे ये। उसके बाद मैंने माही के लिए एक जीन्स ऑर्डर किया था वेरमोड़ा का, ब्रांड तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आपको बता दूँ, वेरमोड़ा ये ब्रांड ऐसा है कि इसके टॉप भी बहुत अच्छे होते हैं, इसके डेनिम भी बहुत अच्छे होते हैं, तो मैंने माही के लिए ये वाला डेनिम ऑर्डर किया था, और एक डेनिम ऑर्डर किया है वो अभी तक नहीं मिला है। ये जो डेनिम है ना कुछ इस तरह से है, साइड में इस तरह से स्लिप है इसकी, और इसके बाद नीचे देखो इस तरह से कट है, बहुत सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगा मुझे ये डेनिम, और क्वालिटी की तो पूछे ही मत। यहाँ पर देखो ब्रांडिंग दी है वेरमोड़ा की, उसके बाद क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और उसके बाद फिटिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। माही को 26 साइज लगती है डेनिम में, 26 साइज में माही को फिट आ जाता है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है इसकी भी। उसके बाद अद्विक के लिए मैंने दो डेनिम लिए थे, कल परसों जो डेनिम दिखाया था वो अलग, और ये मैंने तीन डेनिम ऑर्डर किए थे अद्विक के लिए, बट एक ही साइज़ के ऑर्डर किए थे यार, मुझे पता ही नहीं, और एक ही ब्रांड से भी ऑर्डर किए थे, तो थोड़ा सा ना लंबाई में ज़्यादा हो रहे हैं, बट अभी इसे रखूँ या फिर चेंज करूँ, रख देती हूँ क्योंकि जल्दी बच्चे बढ़ जाते हैं, इसीलिए फिर ये बाद में काम आ जाएगा अद्विक को। देखो ये थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ पर 3 और 4 ईयर्स के लिए ही मंगाया था मैंने, क्योंकि क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है ना, तो इसीलिए फिर रखने का मन कर रहा है। देखो ये दोनों एक लाइट ब्लू कलर में है और एक डार्क ब्लू कलर में है, उससे पहले भी मैंने जो दिखाया था आपको वो भी डार्क ब्लू कलर में ही था, बट यहाँ पर ऐसे थोड़े से पट्टे पट्टे थे। बस ये वाले डेनिम है दो अद्विक के। तो ये थी मेरी आज की शॉपिंग गाइज, अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट अच्छा लगता है और आपको अगर परचेस करना है, आप लिंक हमेशा मांगते रहते हो मुझे, तो ऑलरेडी मैंने लिंक दे दिया है आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और अभी सेल चल रहा है अमेजोन पे, ये सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से परचेस की है, सेल चल रहा है अभी अमेजोन पे, तो आप परचेस कर सकते हो, सेल का फायदा उठा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट आपको मिल जाएंगे,
और हाँ मैंने सेपरेट लिंक भी दे दिया है इसके, और माय हॉल स्टोर का एक लिंक भी दे दिया है। आप उस लिंक पे अगर क्लिक करोगे माय हॉल स्टोर के, तो आपको सारी चीजें एक ही जगह पर मिल जाएंगे। परचेस करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा। तो अगर आपको नहीं पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा आपके सामने, और वहां पर आपको इन चीजों के लिंक्स मिल जाएंगे। जब मैं ऊपर से नीचे आई तो मैंने देखा यहाँ पर मोतीचूर के लड्डू बन रहे हैं। पहले ही उन्होंने मोतीचूर के वो मोतीचूर निकाल के रखे थे, मतलब बूंदी जो मीठी बूंदी है वो निकाल के रखी थी, और इसके लड्डू बनाएंगे अब। और यहाँ पर देखो ये दूध है जिसकी रबड़ी बनेगी, रबड़ी मीन्स क्या बोलते हैं, रसमलाई रखी है हम लोगों ने मेनू में। मोतीचूर के लड्डू है, रसमलाई है, और दही भल्ले है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो तो आपको बाद में ही देखने के लिए मिलेगा क्या क्या है मेनू में। तो यहाँ पर वही चल रहा है, कुक आ गए थे तो ये बनाने लग गए थे, क्योंकि टाइम लगेगा इसके लिए भी और रात का प्रोग्राम भी है खाने का। तो अच्छा लग रहा था, ये सारी चीज़ें हो रही थी घर में। यहाँ पर उन्होंने जो मीठी बूंदी निकाली थी उसका सामान पड़ा था, यहाँ पर ये इसके लिए पड़ा था क्या बोलते हैं, तो खटाई वगैरह के लिए उसके लिए इमली है वहाँ पर रखी, और उसके बाद रसमलाई के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो चीज़ें रखी हैं वहाँ पर। ये यहाँ पर इस कढ़ाई में निकाली थी मीठी बूंदी, तो ये सब कुछ। और यहाँ पर मीठी बूंदी के लड्डू भी बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे गाइस लड्डू। लड्डू आते ही सब लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया था, आप लोग देखना बाद में, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बने थे ना, बहुत बढ़िया लग रहे थे, मज़ा आ रहा था। और डिब्बे में खरीद के लाते तो इतना मज़ा नहीं आता है जितना घर के लड्डू बनाने के बाद मज़ा आता है। वहाँ पर खाना बनाना चल रहा है, तो बाहर वो खाना बना रहे हैं सब लोग। यहाँ पर एक्चुअली मतलब कुक है, तो इस वजह से घर के लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं है उतना, और सब लोग बैठे हैं आराम से कुछ बातें बातें करते हुए, तो इसीलिए। और यहाँ पर सब लोग वो चले गए हैं डेकोरेशन करके, ये भी दिखा देती हूँ आपको क्या क्या हुआ है यहाँ का। ऊपर ही सारा प्रोग्राम होने वाला है ना, तो इसी वजह से यहाँ पर ही सारा डेकोरेशन होगा। अभी तक मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है डेकोरेशन, बट फिर भी दिखा देती हूँ आपको। कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पूरा दिखाऊंगी, बट अभी बलून वलून सारा कुछ मतलब डेकोरेशन पूरा बाकी ही है। वो कुछ लाने गए हैं, बलून वलून वाले को बुलाना है, वो लगा के जाएंगे, फूल का डेकोरेशन होगा, सब कुछ आपको शाम को देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर शाम को हम लोग जो साड़ी पहनने वाले थे उसके ऊपर मैचिंग वाली नेल पॉलिश लगा रहे थे दीपाली और मैं, थोड़ा सा टाइम मिल गया था दीपाली और मुझे, तो हम लोग टाइम मीन्स इतना ज़्यादा तो काम नहीं ही था आज, बट फिर भी थोड़ा सा होता है ना कि ये सब लोग रहते हैं, कोई गेस्ट आते हैं तो उनसे मिलना होता है, और नीचे मतलब बातें बातें करते हम लोग बैठ गए थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आ गए थे, नेल पॉलिश वगैरह लगा के फिर नीचे जाएंगे और फिर बाद में दूसरे काम करेंगे, क्योंकि रंगोली भी बनानी है और बहुत सारे काम है, सजाना वजाना भी है, तो ये सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पर बस वही चल रहा है। और दीपाली की भी आज ब्लू साड़ी है, तो ब्लू नेल पॉलिश लगाने वाली है, और मेरी भी आज ब्लू साड़ी है तो ब्लू नेल पॉलिश मैं भी लगाने वाली हूँ, और एक ही नेल पॉलिश हम लोग लगाने वाले थे, तो इसी वजह से ज़्यादा तामझाम नहीं निकालना पड़ा, बस एक नेल पॉलिश में सब लोगों का होगा। और बहुत लोगों की ब्लू साड़ी थी, वही नेल पॉलिश सारी जगह पर घूमे। तो बस यही हो रहा है यहाँ पर टाइम पास थोड़ा सा। बाद में जो नेक्स्ट व्लॉग है आपको बहुत अच्छा देखने के लिए मिलेगा, उसमें आपको पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या होने वाला है घर पे, क्या क्या हम लोगों ने तैयारियाँ की, तो वो सब कुछ आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा, तो वो व्लॉग देखना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। जो भी होगा नेक्स्ट व्लॉग में आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब शाम का जो फंक्शन है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा गाइस, तो उसका वेट करना, मतलब नेक्स्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको देख के, उसका वेट करना। तो चलिए गाइस, इसके साथ ही इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ अच्छे से नए व्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय गाइस, ध्यान रखना अपना।